कांग्रेस की रैली कांग्रेस भवन से रवाना हो गई, राजभवन के लिए जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, पेगासस मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आपसे जाना है किस मांग को लेकर जा रहे हो, किस तरह का आंदोलन है? देखिए, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लोकतंत्र का गला घोटा है, लोकतंत्र की हत्या की है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जजों की, पत्रकारों की जासूसी की है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के नाम बदलकर भारतीय जासूसी पार्टी रख देना चाहिए। और आज हम राजभवन कूच कर रहे हैं और गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग हम कर रहे हैं। इसके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े बता रहे हैं आप लोग? जी, 2017 में छत्तीसगढ़ से भी तार जुड़े हैं, वहाँ इजरायली कंपनी पेगासस के कंपनी लोग आए थे और यहाँ कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा था, मगर उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। हमारी सरकार इसकी जांच करा रही है। आपकी कमेटी ने जांच की थी, लेकिन उसमें उन अधिकारियों से पूछताछ नहीं जो उस बैठक में शामिल थे या जो कागज जलाए गए, आपके भी आरोप है? नहीं नहीं, जो भी शामिल थे उनके ऊपर जांच होगी और सरकार कार्यवाही करेगी। मोहन मरकाम तो जिन्होंने बोला है कि लगातार जांच की मांग को लेकर ये जा रहे हैं और इसके तार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में एक कह सकते हैं बड़ी रैली निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये कार्यकर्ता रवाना हुए हैं और ये जा रहे हैं राजभवन। इस दौरान ना तो कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है, ना ही किसी नियमों का पालन किया जा रहा है। आपको दिखा दूं कि कुछ लोगों ने इस रैली में मास्क भी नहीं पहन रखा है, तो कह सकते हैं कि आज जो रैली निकल रही है कहीं ना कहीं पेगासस मामले को लेकर आंदोलन तो जरूर है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन को अनदेखा किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि इनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।